राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां पर छीना झपटी के दौरान चार युवकों ने एक 20 साल के शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पूरा मामला नेहरू नगर के गली नंबर 11 का है। यहां दोपहर के समय शैलेंद्र नाम का शख्स केमिस्ट की दुकान पर काम कर रहा था, तभी कुछ युवकों ने उसे केमिस्ट शॉप से बाहर बुलाकर चाकू मार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन परिजन शव को सड़क पर रखकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। काम पे गया, काम पे जाने के बाद उसको चार लोगों ने उसे बुलाया, दुकान पे था वो। चार लोग गए जाकर के, दो बगल में खड़े हो गए और दो लोगों ने उसे आए दुकान से उसको बुलाया। बुलाने के बाद गली में लेके गए और हाथापाई करी। हाथापाई करते के साथ में ही चारों में से एक ने चाकू निकाला और वहीं मार दिया उसको। दो चाकू मारे हैं जिससे ओवर ब्लीडिंग की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचते खत्म हो गया। सैलेंदर पीछे का काम करता था। सैलेंदर पीछे मेडिकल पे काम करता था, वो शिवा मेडिकल पे। कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसके जैसा भाई कभी नहीं मिलेगा मुझे, ऐसा लड़का ही नहीं है कहीं पे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कार्रवाई ये करी है कि अभी से कम 30 मिनट पहले उसकी हमें वो दी है, FIR की कॉपी दी है। इससे अदरवाइज और कुछ भी हमें नहीं पता है। बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके के अपराधी बेखौफ होकर लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उन पर लगाम लगाने में असमर्थ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।